गाइस, मेरा नाम है प्रीति और आप देख रहे हैं प्रीति का ब्लॉग। तो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं गंजहरी और वहाँ पे हम लोग घूमने जा रहे हैं। तो गाइस, मेरे साथ जा रही है ये सिस्टर रागिनी और गाइस अभी ये ड्राइविंग करेगी। तो गाइस, हम वीडियो को फुल देखिए और फुल मजे करिए। तो गाइस, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ कालोदरा। तो यहाँ से हम लोग सीधा जाएंगे गंजहरी। तो गाइस, ये देख सकते हैं इधर कितना अच्छा नज़ारा है, देखिए इधर तो दिखाती हूँ आप लोग को। तो गाइस, ये देख सकते हैं कितना अच्छा इधर झरना है जो कि बहुत अच्छा दिख रहा है। आप लोग भी आइएगा देखने। तो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर। तो ये हम लोग का एंटर हो चुका है और ये देख सकते हैं गाइस कितना अच्छा है। तो गाइस, देख सकते हैं इधर कितने सारे अभी। तो गाइस, अभी हम लोग देख सकते हैं गंजिया जी का मंदिर और ये है माँ जगदम्बे का मंदिर। तो गाइस, मैं आज पहली बार मंदिर में घूम रही हूँ। तो आप ये देख सकते हैं इतना अच्छा मंदिर है। मैंने कभी मंदिर नहीं देखा था गंजहरी का। तो गाइस, मैंने सोचा कि आप लोग तो भी नहीं
माननीय कमलेश प्रसाद शास्त्री जी। मंदिर का जो है सर्वत प्रथम उद्घाटन सन 1981-13 दिसंबर को हुआ। हाँ। इसके बाद में इस क्षेत्र के सभी लोगों द्वारा थोड़ा थोड़ा अनुदान प्राप्त कर इस मंदिर का निर्माण हुआ। इस मंदिर के निर्माण में लगभग 7 साल लगा और इसके बाद सन 87 में माँ दुर्गा जी की प्रतिष्ठा हुई। इसके बाद में माँ संतोषी की प्रतिष्ठा हुई। इसके बाद में गणेश जी की प्रतिष्ठा हुई। इसके बाद में श्री हनुमान जी महाराज की प्रतिष्ठा हुई। इसके बाद में नवग्रहों की प्रतिष्ठा हुई। इसके बाद में यज्ञशाला का निर्माण हुआ और इसके बाद में इस हॉल का निर्माण हुआ। इसके बाद में ये 6 कमरे वाली धर्मशाला का निर्माण हुआ और इसके पूर्व पुजारी निवास कमरों का निर्माण हुआ। यहाँ एक कक्ष अखंड ज्योति का भी बनाया गया है जिसमें वर्तमान में 24 ज्योतियाँ अखंड चल रही हैं, जिसमें ये एक ज्योति को 27 साल हो गए। एक ज्योति को जी हाँ, सन 97 से वो ज्योति चली है। कोई कोई ज्योतियाँ 10 साल से जल रही हैं, कोई ज्योति 3 साल की चल रही है, कोई ज्योति 1 साल की चल रही है। प्रत्येक नवरात्रि चैत्र एवं आश्विन में यहाँ घी की अखंड ज्योति जलाई जाती है। भक्त लोग जो है घी का पैसा देकर इस अखंड ज्योति को जलवाते हैं। वर्तमान में 351 घी की ज्योतियाँ जल रही हैं। और मतलब यहाँ बस का इतना इतना जल्दी कैसे मतलब सब लोग जानने लगे मंदिर को, उसको भी बता दीजिए। माँ के प्रति आस्था, भक्तों की जो आस्था है वो माँ से लगाव लगाए, माँ के आशीर्वाद से देवी आगे दिन प्रतिदिन बढ़े, उन्हीं के बढ़ने के कारण आस्था हुई। उस आस्था के द्वारा उन लोगों ने मुझे धन दिया और धन से मैंने इतना बड़ा मंदिर। हाँ, इसके सहयोग के लिए यहाँ पे उसके पुजारी लोग कौन कौन है? यहाँ श्री पुजारी हैं मनीष कुमार जी, यहाँ के व्यवस्थापक हैं। एक छोटे पुजारी जी हैं रमाकांत शास्त्री जी, वो भी पूजन करते हैं। और यहाँ यज्ञ में आचार्य परमानंद शास्त्री, आचार्य सरस्वती जी, इस प्रकार से ब्राह्मण लोग उपस्थित होकर प्रत्येक नवरात्रि में यज्ञ कार्य करते हैं। गाइस आप लोग तो अभी जान गए होंगे कि मंदिर कैसे बना, कब क्या क्या हुआ उसको। तो गाइस अभी ये पुजारी जी बताए यहाँ के मंदिर के बारे में, तो पुजारी जी को मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद पुजारी जी। और अभी गाइस ये यही है यहाँ का अखंड ज्योति, तो ये देख सकते हैं यहाँ बस इतने सारे दिए जल रहे हैं जो कि बहुत पुराने पुराने हैं, तो आप लोग भी आइएगा देखने। तो गाइस यही है वो अखंड ज्योति इधर है। गाइस अभी शाम हो गया है तो आप लोग को अच्छा से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, और अगली बार आएंगे तो अच्छा से दिखाऊंगी मैं। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।